रांची में शराब से 6 लोगों की मौत, मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार के नाक के नीचे से जहरीली शराब का खेल खेला जा रहा है, लगातार लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन अपनी नाकामयाबी छुपाने में लगी है। वहीं सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब सरकार ही शराब बेचेगी और माफिया के साथ सांठगांठ रखेगी तो सूबे का भगवान ही मालिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी रांची में ऐसी घटना हुई थी और सरकार जांच के नाम पर सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब राज्य के मुखिया ने अवैध शराब की बिक्री पर थानेदार से लेकर एसपी तक कार्रवाई की बात की थी तो आज तक किस दबाव में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, पहले नेपाल हाउस के बगल में जो सरकार का मंत्रालय है उसके बगल में इस तरह की घटना हुई थी। पिछले साल 22 लोगों की मौत हुई थी अवैध शराब के कारोबारियों के शराब पीने से। इस बार फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे शराब पीकर के मौत हुई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री के घर के आगे हत्या हो जा रही है, कभी उनके घर के पास में शराब पी के लोग मर जा रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी के 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई सुरक्षित नहीं है, 3 किलोमीटर में ज़्यादा बोल गया, 1 किलोमीटर के अंदर में कोई सुरक्षित नहीं है, तो पूरे राज्य के क्या हालात होंगे। दुखद है और उस परिवार के प्रति हम संवेदना